द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। उन्होंने बड़े अंतर से विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया है। यूपी के लखनऊ स्थित लुलू मॉल में नमाज को लेकर विवाद की जांच के लिए अब अबू धाबी से एक टीम लखनऊ पहुंची है। ये टीम विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर अबू धाबी भेजेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। सोनिया से लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सोनिया से 25 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। अब उन्हें 25 जुलाई को दोबारा बुलाया गया है। नुपुर शर्मा को मारने भारत आया घुसपैठिया रिजवान पाकिस्तान में इमरान सरकार को घेरने वाले कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक से जुड़ा है। संगठन ने एक पूरा प्लान बनाकर उसे भारत भेजा था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने दावे के अनुसार असम के विपक्ष के 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उधर विपक्षी दलों ने सरमा के दावे के बाद विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। यूपी के आगरा में बाइक से टक्कर के बाद गर्भवती महिला सड़क पर जा गिरी। पीछे से आ रहे डंपर ने उसे इस कदर रौंदा कि उसके पेट में बच्ची बाहर निकल गई। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद माँ की जान चली गई है और वो अपने नवजात का मुंह तक नहीं देख पाई। उद्घाटन के महज 5 दिन बाद ही एक्सप्रेसवे के जगह जगह धसक जाने के कारण गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। ईरान दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 19 जुलाई को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप से बातचीत से पहले पुतिन को 50 सेकंड तक उनका इंतजार करना पड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मोहाली में 20 सितंबर, दूसरा T20 नागपुर में 23 सितंबर और तीसरा T20 हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलकर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देगी।